और अब खबर खरसिया से है, जहां किसानों के मूल रकबा से छेड़छाड़ कर धान की खरीदी की गई है। इस काम को प्रबंधक और डाटा ऑपरेटर ने मिलकर अंजाम दिया है। जांच में 12,88,000 की अनियमितता पाई गई, जिसके चलते प्रबंधक और डाटा एंट्री ऑपरेटर को गिरफ्तार किया गया है। सन 2015-16 में खरसिया के बानीपाथर आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के अंतर्गत किसानों के मूल रकबा से अधिक का पंजीयन कराकर रिकॉर्ड में हेरफेर करते हुए अवैध धान खरीदी की शिकायत तत्कालीन नायब तहसीलदार से की गई थी। जांच सही पाए जाने पर आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था। ग्वालियर शहर आसपास के जिलों में